अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 11 और हम अरंकेल से नीचे आ चुके हैं। अरंकेल में सुबह के वक्त मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक मौसम ख़राब हो गया और हमने डिसाइड किया कि अरंकेल से नीचे जाया जाए। खैर, इस वक्त हम गामजन हैं केल से ताऊबट के सफ़र पर। केल से ताऊबट का सफ़र कुछ 40 किलोमीटर का है और रास्ता बहुत ख़राब है, सो हम दोस्तों ने डिसाइड किया कि बाइक्स पर लोड कम से कम हो। सो इसीलिए हमने अपना कुछ सामान केल में एक दोस्त के यहाँ रखवा दिया है ताकि आगे आने वाला सफ़र जो है वो आसानी से तय कर सके। अल्लाह खैर करे, आंधी और हवा जैसी चल रही है, लगता बारिश होगी। खैर, देखते हैं क्या होता है। कितना चाहिए यार भाई? केल तक पहुंचना है, जाना आज भी फार्म लाने। अच्छा, एक मिनट करते हैं कुछ। आगे ठीक है रोड? इधर आगे ठीक है, आगे कम से कम नहीं नहीं थोड़ा उधर आगे काम लगा हुआ है, डोजर वगैरह लगी हुई है। बस भाई बस बहुत है, बस बहुत है, बहुत नहीं काफी है। कोई बात नहीं यार, गुजारा हो जाएगा। नमाज के लिए रुके थे इधर, बस अब साथी आ जाए तो आगे की तरफ निकलते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम गुजरे हैं जंदल सेरी से। जंदल सेरी एक छोटा सा गांव है और मैं देख रहा हूं कि यहां पर कुछ रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है। नीलम वैली रोड तो बहुत अरसे से बन रहा है, जो कि मुजफ्फराबाद से सीधा ताऊबट तक जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरे साल में इधर यहाँ तो स्नो फॉलिंग होती है या बारिश, सो ये काम भी गर्मी के मौसम में होते हैं और बाकी साल मौसम ठीक होने का इंतज़ार किया जाता है ताकि रोड का ये जो प्रोजेक्ट है इसे पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। बारिश बारिश बारिश, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है एंड वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर रेन, सो लेट्स फाइंड के क्या मिल सकता है जिससे बारिश से बचा जाए। इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ मेरे टैंक बैग का कवर है और बाकी तो सारा कुछ हम केल में छोड़ आए हैं दोस्त के पास। आई गेस बहुत बड़ी गलती की है, बारिश के लिए जो हमारे पास जैकेट्स थी और जो हमारे पास रेन कोट्स थे वो इस वक्त सारे केल में पड़े हैं और हमें ऐसे ही आगे जाना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? इधर से ताऊपत कितना दूर है? दो घंटे का सफर है। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर तो मौसम बहुत ठंडा है। साथ रखी है? हाँ, जर्सी वगैरह मैं वही डालने लगा हूँ, पीछे तो गर्मी थी। क्या जन्नत में रहते हैं यार आप लोग, अल्लाह की कसम। बहुत ख़राब रास्ता केरन से आगे, तो केरन से आगे ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन जब आते हैं किसी मुकाम पे, अड़ंगकेल गए ऊपर ऊपर चढ़े हैं तो वो सारा भूल गया, जो हम मोटरसाइकिल ख़राब हुई, जो हुआ, जो भी किसी के साथ जो भी हुआ, सब भूल गए। बस ये याद था कि सामने गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं अल्लाह की कुदरत देखते देखते। तो इतना खूबसूरत पाकिस्तान कभी देखा ही नहीं ज़िंदगी में। कल्चर कैसा लगा? मैंने कहा इतने मोहब्बत करने वाले लोग अभी तक जितने लोग मिले हैं मुजफ़्फ़राबाद से लेकर और यहाँ तक। ये कौन सी जगह? रहमानाबाद। आओ ऊपर चाय शाय पिलाओ। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी है आपका। हम आए हैं, हमारे आज डेरा पकड़ा हमने इधर। बड़ी मेहरबानी है, कोई मसला नहीं। क्या प्रोग्राम है भाई? चलेंगे। यहाँ से दो घंटे का रास्ता है, जितना केल से हम आए हैं यहाँ से ही इतना आगे जाना पड़ेगा। तो कुछ पानी शानी का इंतजाम कर ले। जूस पिया आपने? हाँ जी, जूस तो पी लिया। कुछ पानी पीने का दिल कर रहा है? पानी पी लाते हैं। बारिश तो अब रुक गई है और केल से हम ताऊबट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ताऊबट जाने के लिए अभी दो घंटे और दरकार हैं। और ये सादिक साहब हैं और ये इनकी आटे की चक्की है। यहाँ पर एक मैनुअल आटे की चक्की है जहाँ पे ये आटा पीसते हैं गांव वालों के लिए। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे से लोगों ने अपने स्टोर्स और इस तरह की फ्लोर मिल्स और जो चीज़ें हैं वो बनाई हुई हैं ताकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको हर किस्म की सहूलत मैसर हो। और ये शहजाद साहब हमारे जो साथी हैं ये बिल्कुल रेडी हैं और हमें कह रहे हैं कि चलें, चलते हैं आगे। तो अब इंशाल्लाह आगे का सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि चलें साथियों के मंजिल करीब है, अभी दो घंटे दूर है भाई। इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात है।
सियासत के हवाले से कि पाँच सात दस गाड़ियों में झंडे लगे हुए थे, हम केयर से आ रहे हैं, केयर से केयर तक छोड़ने के। दोस्तों इस वक्त हम गुजर रहे हैं जनोई गांव से। जनोई गांव का केल से कुछ 19 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है और ये भी एक बहुत बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो ट्रैक हमने पीछे बूर किया उसका हाल तो आपने देख ही लिया है और ऊपर से बारिश एंड मडी रोड्स, ठंड भी शदीद है और हमारे मोस्ट ऑफ द जो सेफ्टी गियर्स थे जैसा कि मैंने बताया केल में छोड़ आए थे। And I wouldn't suggest any of my fellow drivers कि वो ये track without proper safety gears के करें, वरना हमारा हाल देख सकते हैं। शायद ये track आसान होता अगर बारिश ना होती। दोस्तों हम इस वक्त गुजर रहे हैं पुलवाई गांव से। इसके बाद अगला गांव है मरनाथ जो कि पुलवाई से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वक्त शदीद सर्दी है और हम इस ट्रैक को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और रोड्स जो हैं वो बारिश की वजह से शदीद ख़राब हैं जिसकी वजह से बाइक्स को हम बिल्कुल स्पीड में नहीं चला सकते। यही वजह है कि हम इस वक्त 10 या 20 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहे हैं। दोस्तों सतह समंदर से कुछ 2 से 2.5 हज़ार मीटर बुलंद ये वादी जिसका नाम है संदारी एक खूबसूरत तरीन गांव है
और इससे कुछ ही दूर हिलमट गांव और उसके बाद ताऊबाट। बहुत ही खूबसूरत अचूती वादी है ये, चूंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग 4x4 पे आते हैं, इसलिए ये ट्रैक के ना बने होने की वजह से इस तरफ लोगों का रुझान कम है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइक्स पे 4x4 पे यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है क्योंकि रोड नहीं है यहाँ पे प्रॉपर। और ये ताऊबाट कश्मीर का आखिरी गांव है, इससे आगे पैदल सफ़र है, पैदल हाइकिंग है। तो हम तो वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक बाइक जा सकती है। ये हमारे फयाज भाई, बहुत दिलेर बंदा है फयाज, और इसको ठंड भी बड़ी शदीद लग रही है, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रैक कर रहा है मुकम्मल। और मेरे दो साथी और पीछे हैं, उनका इंतज़ार कर लूं। गुजरो आप। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हमारे पाक आर्मी के जवान हैं जो माशाल्लाह इधर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटा सा गांव है हलमट, जम्मू आज़ाद कश्मीर का। और ये ताऊबाट के रास्ते में आता है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मेरे कैमराज की सब बैटरियां और जो कार्ड्स हैं एसडी कार्ड्स, वो सब के सब फुल हो चुके हैं, क्योंकि अब तक का एडवेंचर कैप्चर करने में वो सारे सर्फ हो गए। तो अब मैं ये बड़ी वीडियो अपने मोबाइल से बना रहा हूँ। दैट वी हैव जस्ट रीच ताऊबाट ऑफिशियली।
अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। ताऊबट, इस वक्त ताऊबट में सुबह के 6 बजे और हम आज 5:30 बजे उठ गए थे। कल जो केल से ताऊबट का सफ़र था वो बहुत मुश्किल था और हमें पता है कि हम कैसे पहुँचे। यहाँ बारिश भी थी और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो इस वजह से कल हम दोपहर 2 बजे चले हैं और शाम 7 बजे ताऊबट पहुँचे हैं। रास्ता ख़राब होने की वजह से हमें बहुत देर लग गई। तो इस वक्त जो मंज़र मेरे सामने है वो है ये, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। इंडीड, ये तो बिल्कुल सच है जी। जितना हमने रफ रोड कल तय किया है और उसके बाद जहाँ पर पहुँचे हैं, तो बिल्कुल ये कहना बनता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ताऊबट, अड़ंगकेल, यानी कि कश्मीर में जौन सी भी जगह है, जैसी भी जगह है, उसका एक अपना मुकाम है, उसका एक अपनी ब्यूटी है। तो इस वक्त सुबह के मनाजिर हैं और हम हैं ताऊबट में। मेरे साथी भी जो हैं वो सब के सब उठ चुके हैं और कुछ पिक्चर्स लेने में मशगूल हैं। तो इस वक्त ठंड का ये आलम है कि मैंने, मेरा आप हाल देख सकते हैं कि ठंड का क्या आलम है। तो काफ़ी ठंड है, तो शुक्र है कि सूरज मामू भी थोड़े थोड़े से अपना जलवा दिखा रहे हैं थोड़ा सा, और इसके बरक्स ठंड बहुत ज़्यादा है। हमने अपने रात का क़याम यहाँ पर किया था, खाना बहुत अच्छा था इनका, और रात को ट्राउट फिश खाई थी। और ये बेचारी हमारी बाइक्स जो हमें यहाँ तक ढो के लाई हैं, खड़ी हैं रात से बाहर।